कहा? हाँ भाई साहब। हो गई तस्वीर साफ, नीचे उतर। देखो ना भाई साहब, यहाँ ऊपर चढ़ के कितना अच्छा लगता है, सब इतने छोटे छोटे दिखाई देते। छोटी की बच्ची, नीचे उतर। लो, आगे। अच्छा सुन, कल अर्जुन और मनस्वी आए थे। हाँ, कितना अच्छा लगा था ना, मैं सालों बाद। ऐसे भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि चुप कर। कहती बहुत है, करती कुछ नहीं। कल उन्हें हवन का प्रसाद दिया? नहीं भाई साहब, मेरे कितने काम है, मैं क्या करूं, मैं भूल गई। है ना? हाँ बिल्कुल यही भाई साहब। ठीक है, मैं घनु के हाथों भेज देती हूँ। घनु काका और अर्जुन के घर? ओ भाई साहब, मैं हूँ ना। अरे मेरे होते हुए घनु काका को भेजने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊँ। जाऊँ ना? अच्छा जा। और सुन, बाहर बारिश हो रही है, छाता लेकर जा। अच्छा है दिलाए भाई साहब, वरना वो भी भूल जाती। नमस्ते चाची। अरे खुश रहो। प्रसाद कल देना भूल गई थी ना, तो बायसा ने कहा तेरा किया तू ही भुगत। अब देखो ना, मुझे भी तो इतना काम रहता, भूल गई तो याद दिलाना चाहिए ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मनस्वी भाभी और अर्जुन की है। अर्जुन जी, बचपन से बोलने की आदत है ना। हाँ, जैसे तुझे देखते ही मेरे मुँह से निकलता है भवरी। चाची इसे कहो ना मुझे भवरी ना कहे। ये लो, अब भवरी को भवरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्यों सत्य भैया? हाँ। अच्छा चाची मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, कॉफी तो पीकर जा। पी लेना, मनस्वी के हाथ की कॉफी तो तुझे बहुत अच्छी लगती है। वो तो है, और भाभी ने अपने हाथों से बनाई तो पीनी ही पड़ेगी ना। इसमें हंसने वाली क्या बात है, भवरी को कॉफी गर्म लग रही होगी। हाँ अर्जुन जी, बहुत गर्म है। वैसे कॉफी तो गर्म ही अच्छी लगती है ना, तुम भी कभी ऐसे पी के देखो ना। नहीं, मैं तो कोल्ड कॉफी पीता। अच्छा चाची चलती हूँ, सबको आपकी याद दूंगी। चलती हूँ अर्जुन जी। क्यों गई थी वहां? पहले तो वो लोग जबरदस्ती यहां आकर सबके सामने हमें बेइज्जत कर गए, और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि उनके नाम से तक मुझे सख्त नफरत है। फिर तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं वो पूजा प्रस्ताव लेके गई थी। जब हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो किसके कहने पर वहां गई थी तुम? बादशाह ने कहा था कि जाओ। झूठ बोल रही हो तुम। ये सच कह रही है। मैंने इसे भेजा था वहां प्रसाद लेकर। वैसा आप क्या अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूं। लेकिन जिस तरह से तुम इसे डांट रहे थे वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब हमें नौकरों से किस तरह बात करनी चाहिए ये हमें आपसे सीखना पड़ेगा। नौकर भी इंसान होते हैं,
और इंसानों से किस तरह बात की जाती है ये अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। दुश्मनों से दोस्ती निभाना तो कोई आपसे और बाबूजी से सीखे, जो हमारे माँ बाप होकर दूसरे के बच्चों को। तमीज से बात करो मानसिंह, ये मत भूलो तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। आप हमारी माँ है और इसी का लिहाज कर रहा हूं, वरना उस घर में जाने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। और अगर आपने भी उस घर में कदम रखा तो क्या करोगे? तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? आपका बेटा। बेटे हो तो बेटे बनकर रहो, यही अच्छा है। और रही बात वहां जाने की, तो देखते हैं मुझे और तुम्हारे बाबूजी को वहां जाने से कौन रोकता है। ना वो अर्जुन और मनस्वी यहां आते और ना ये दबी आग भड़कती। उन्हें अपने घर की चौखट लांग देने की सबसे बड़ी भूल हमने की है और ये उसी का परिणाम है, लेकिन अब यह गलती कभी नहीं होगी। अरे भौरी, रो क्यों रही है बेटी? देखो ना पापा, मैं बाईसा के कहने पर अर्जुन जी के यहाँ प्रसाद लेके गई थी, पर युवराज ने मुझे इतना सारा डांट दिया। बेटे, मालिक हैं वो लोग, जरा सा भी उन्होंने डांट दिया तो इस तरह से रोया नहीं करते। तो क्या सिर्फ प्रसाद लेके जाना ही मेरा दोष था? वो तो मालिकों के नजरिए पे है, पता नहीं उनकी नजरों में क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या मतलब? मतलब समझने की जब उम्र होगी ना तेरी, सब समझ जाएगी। फिलहाल मैं तेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना के देता हूँ। हाँ, कितनी भीग गई है मेरी बेटी। हाँ, तू चाय पिएगी ना तो अच्छा लगेगा तुझे। अच्छा अर्जुन के घर वाले यहाँ कोई नहीं तो जी लगाना पड़ता। जी तो तुम्हारा अर्जुन के साथ लग चुका है। कितना मान मिलता है वहाँ। और यहाँ भूमि, जब मन निराशा के आवरण से ढक जाए तो सुंदर स्मृतियों के पन्ने पलट कर देखो, मन को अजीब सी संतुष्टि और शांति का ऐसा मिला जुला अनुभव होगा जिससे तुम्हारी हर पीड़ा हर दुख हर लेगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।